न कपकपाती ठंड, न लोगों की धमकियां और ना ही पुलिस बलों की तैनाती हटा सकी शाहीन बाग की महिलाओं को। 100 से अधिक दिनों तक धरने पर बैठी शाहीन बाग की महिलाओं ने देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नया कीर्तिमान रचा है। पूरी दुनिया हैरतअंगेज नजरों से देखती रही दिल्ली के शाहीन बाग को। 14 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग की कुछ महिलाएं CAA, NPR, NRC के खिलाफ एकजुट हुईं। इनके प्रदर्शन को धीरे धीरे जन समर्थन मिलने लगा। इसमें हजारों लोग स्वेच्छा से जुड़े और प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। दरिया तो भर गई, मैं अब सैलाब हूँ। नजर घुमा, मैं हर शहर का शंखबाग हूँ। दबा सके ना 100 तूफान, मैं वो परवाज हूँ। दुआ के देख, औरत हूँ और इंकलाब हूँ। शाहीन बाग की औरतें कपकपाती ठंड में इस इंतजार में बैठी रहीं कि प्रधानमंत्री उनकी आवाज सुनेंगे। इस प्रदर्शन ने देश के दूसरे हिस्सों की महिलाओं को भी प्रेरित किया। लखनऊ, मुंबई, प्रयागराज, नागपुर, चेन्नई, गया, पटना, इंदौर। महिलाओं के इस आंदोलन को अभूतपूर्व समर्थन मिला और दूसरे शहरों में भी शाहीन बाग बनने लगे। इन शाहीन बागों ने कई कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वक्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर मंच पर प्रतिरोध की कविताएं पढ़ी गईं और गीत गाए गए। तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। मैं इनको बहने तो कहता हूँ, साथ में शेरनियाँ भी बोलता हूँ इनको मैं, क्योंकि ये वो शेरनियाँ हैं जिन्होंने एक इनकलाब लेके आए हैं, जो एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं। शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसे शेरनियाँ जो हैं, ऐसे महिलाएं जो हैं, पहली बार ऐसे प्रोटेस्ट में बैठी हैं। और इतना लंबा ये प्रोटेस्ट, जो पीसफुली प्रोटेस्ट चला है, ये पहली बार हमारे इतिहास के अंदर हो रहा है। फ्लैट है, 3 फ्लैट थे मेरे पास, 2 अभी पड़े हैं मेरे पास, 1 मैंने सेल आउट किया है। कोई दिक्कत नहीं, 2 जो बचे वो भी बेच देंगे। अगर ये मोर्चा ज़्यादा लंबा चलेगा तो वो भी 2 बेच देंगे। कोई सब्जी ला के दे देता है, कोई चावल ला के दे देता है, कोई आटा ला के दे देता है, कोई भी चीज़, कोई भी मना नहीं है। जो ला के दे दे, 2 किलो, 10 किलो, 15 किलो, जो भी सामान ला के देगा उसको हम लोग मना नहीं करते हैं, जो भी ला के दे। घर घर से, पंजाब के गाँव से एक एक मुट्ठी अनाज ले के, देसी घी, जो किसान शाहीन बाग गए, उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि हमारी शाहीन बाग की हमारी जो बहनें हैं, दादा दादियां हैं, उनको हम देसी घी का खाना लंगर के तौर पे देंगे, तभी हमें सुकून अपने दिल में मिलेगा। भारत में ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पोस्टकार्ड भेजकर प्रधानमंत्री को चाय पर बुलाया हो। इन प्रदर्शनों में शादी और गोद भराई का जश्न भी मनाया गया। लोगों ने नावों पर जल मार्च निकाला, जमीन पर रंगोली बनाकर विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल लोग प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगते रहे। शाहीन बाग में सभी धर्मों के गीत और प्रार्थनाओं का गान हुआ। हजारों लोगों ने एक साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। वयम भारतस्य जना। CAA, NPR, NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 100 दिनों तक चलता रहा। इन महिलाओं पर इल्जाम भी लगा कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, इन्हें बिकाऊ तक कहा गया। गोलीबारी की घटना का शिकार भी हुआ शाहीन बाग। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए।
सर्दी की एक रात में एक मासूम की जान चली गई। हिंदुत्ववादी संगठनों ने शाहीन बाग को खाली कराने की कई बार धमकियां दी। इन्हें देशद्रोही कहा गया। दिल्ली के भयानक दंगे के बाद भी शाहीन बाग की औरतों ने अपने शांतिपूर्ण और रचनात्मक प्रदर्शन को जारी रखा था। आज जब पूरे विश्व और भारत कोरोना वायरस जैसी महामारी की चपेट में है, शाहीन बाग को मानव जाति के अदस्य साहस और धैर्य के प्रतीक के तौर पर याद रखा जाएगा। शाहीन बाग के धरने ने देश के सामने एक मिसाल पेश की है। शाहीन बाग अमर रहेगा, शाहीन बाग जिंदाबाद।